होगा कि कानून कितनी बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे बनेगा तो मस्जिद बनेगा, यहाँ पे मंदिर कतई नहीं बनेगा। आप सोचिए, अगर मैं देश की, अगर हिंदुस्तान की बेटी हूँ, अगर मुझे आपको पूरे, मैं समाज को बोलना चाहती हूँ, पूरे देश में हर युवा को बोलना चाहती हूँ, अगर कोई इस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री को गाली देता है तो कौन सा ऐसा युवा है जो बर्दाश्त करेगा? और अगर मैं थप्पड़ मारा है तो मेरी, मुझे नहीं लगता कि मेरी कोई गलती है। जी मैंने मारपीट करने की कोशिश नहीं किया, ना ही मैंने मारपीट उस समय किया, लेकिन उनके अपशब्द बयान कि यहाँ पे मैं पाकिस्तान बनवाऊंगा और देखता हूँ कि मेरा हिंदू राज कैसे चलता है, मुझे किसी के भी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, मुझे कोई किसी से वो नहीं है, वास्ता नहीं है, और ना ही मैं किसी पॉलिटिकल से जुड़ी हुई हूँ। लेकिन बात यह है कि अगर मैं देश की युवा हूँ और हमारे देश के प्रधानमंत्री को कोई गाली देगा, मुख्यमंत्री को बहुत सिक्योरिटी उन्होंने रख रखी है, आप जिसके उसमें खा रहे हो उसी की मैं छेद कर रहे हो, ये कोई तरीका नहीं होता है। तो आप बताइए, अगर मैं युवा हूँ तो मेरा फर्ज बनता है, अगर मैंने थप्पड़ मारा तो मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने बिल्कुल सही किया। और देश की हर बेटी, मैं चाहती हूँ कि इसी तरीके से बने, अगर कोई भी हमारे देश के लिए आवाज उठाए तो हर लड़की हमारे साथ खड़ी होगी। नागरिक है, मैं मानती हूँ, इसकी इज्जत करती हूँ, लेकिन नागरिकता क्या कहती है कि आप जहाँ पे रहते हैं जिस देश का प्रधानमंत्री आपको गाली देंगे? नागरिकता ये कहती है कि आप बोलेंगे पाकिस्तान बनेंगे, हिंदुस्तान में रहेंगे तो पाकिस्तान की बात करते हो, पाकिस्तान की बात आपने क्यों किया मेरे से? पाकिस्तान की बात करोगे तो मारेंगे, चाहे कोई भी देश का होगा, चाहे वो ये हो, चाहे दुनिया का कोई भी इंसान हो, अगर हिंदुस्तान में रहकर आप हिंदुस्तान का नमक खा रहे हो और हिंदुस्तान के साथ गद्दारी कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि देश हमारा इस तरीके से सेफ है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? आपके खिलाफ मामला दर्ज कराया उन्होंने, मेरे साथ सर मामला दर्ज कराया गया, मैं वहीं पे खड़ी थी, मैंने कहा अगर मैं गलत किया है तो मैं भागूंगी, अगर मैं सही हूँ तो मैं नहीं भागूंगी, वहीं पे अपने भाई के साथ खड़ी थी, मेरा भाई था, उन्होंने जो बयान दिया है सरासर झूठ है बिल्कुल, और मेरे भाई ने उनको एक बार भी, जबकि बाहर खड़ा था, अंदर गया भी नहीं था, और एक औरत ने जिसने बयान दिया कि तीन दिन से मैं सब गुजारिश करती हूँ, मैं बोलती हूँ सरकार से कि आप मेरी कॉन्टेक्ट दिखाइए, आप लोगों से पूछिए कि अगर मैं लखनऊ में थी कि नहीं थी उस समय, मैं आज से रुक गई हूँ और मैं जो बोलती हूँ बिल्कुल सच बोलती हूँ, और सच के सिवा मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलना चाहती हूँ। वहाँ पे जाने के बाद सर, जब फोर्स आ गई, फोर्स गई, जाने के बाद भी मैं कितनी बार बोली आप मेरी बात तो सुनिए कम से कम, लेकिन हमारी बात वहाँ सुनी नहीं जा रही है, मुझे कस्टडी में रखा गया प्रॉपर तरीके से, मीडिया से मेरे को बात करने का मौका मिले तब मैं अपनी बात बताऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ है। जब मीडिया से बात करने का टाइम मुझे नहीं मिल रहा है तो मैं कैसे बात करूंगी, अपनी प्रॉब्लम कैसे बताऊंगी लोगों के साथ? लखनऊ को लेके लखनऊ वही फोर्स लेके आई, पूरी पुलिस फोर्स लेके, उन्होंने बोला कि आप इस मैटर को दबा दीजिए और ये जो ज्यादा बढ़ जाएगा, और इस तरीके से मेरी बाइट भी एक न्यूज चैनल पे चली जो कि उसमें मेरा कोई बयान नहीं है, इसको कट कर दिया गया है, मेरी चल रही है लिपसिंग चल रही है लेकिन उसमें पूरा प्रॉपर तरीके से कट कर दिया गया है, और अंसारी का जो है पूरा बयान उसमें आया हुआ है। हम ये चाहते हैं, गुजारिश करते हैं कि अगर इस तरीके से गद्दार कोई भी देश के प्रधानमंत्री को गाली देता है या फिर मुख्यमंत्री को, अगर